वाल विस्कोमीटर, डेंसिटी बोतल हम लोग ला के अभी धोए हैं, क्लीन किए हैं। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है ये, सभी बच्चे अपना अपना ले आए हैं, सभी को अब धो के अब इसमें आगे का आज का जो विस्कोमीटर का उसको सेफ रखनी है, वो सेफ है। हम लोग जो एम्प्टी बोतल था, डेंसिटी बोतल, उसका वेट करेंगे। 31.2 रखिएगा, इसको पहले वेट करेंगे, लिक्विड फिल करके वेट करेंगे। 31.21 ग्राम जो भी है, 21 22 जो भी है, एएमटी इस बोतल है। इसको पानी फुल, एकदम फुल करना है, फुल करके कैपिंग करना है। ये फुल करके कैपिंग करने के बाद वो पानी निकल जाएगा, थोड़ा पानी निकल जाएगा, इसको क्लीन करो। 71 एक ही बोतल में, जिस बोतल में एम्प्टी किया है उस बोतल में करना चाहिए, उसी में। हाँ, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सब पे डाई ये सेम होगा, पता नहीं दिखा, लुकिंग सेम बट ये भी डिफरेंट हो सकता है। तो जिस बोतल में ये करोगे, इस दो बोतल इसीलिए दिया हूँ, एक बोतल इज फॉर द लिक्विड पर्पस, इज फॉर द वाटर पर्पस। सो व्हेन यू आर यूजिंग वाटर पर्पस द एम्प्टी बोतल, दैट इज द सेम, दैट विल बी द सेम, ये सेम होगा, एएमटी होगा, लिक्विड होगा, समझे? यस सर। चलो, तो इस तरीके से W1, W2, W3 फाइंड करके लिख लेना है, नोट डाउन करना है। यस सर, समझे? सब समझ गए ना? नहीं समझे? हाँ चलो। इथेनॉल अल्कोहल जो है उसको हम लोग बीकर में, आसान हो ओस्टवाल्ड मीटर में डालने में, तो इसीलिए, और उसका वेट करने में भी आसान हो, इसलिए ऐसा किया। थोड़ा रिंस करना है इसको, थोड़ा वाटर था, रिंस करना है। इधर आओ सब, इधर आओ, देख लो, देख लो, देख लो, वन बाई वन करते रहोगे, वन बाई वन। 60 पीपर लेकर भाई, इधर से डालने से चला जाएगा शायद, मुझे लग रहा है, नहीं तो गिर जाएगा, इसलिए पीपेट लाइए, नहीं तो बर्बादी होगा। चलो नहीं है, हो जाएगा, धीरे धीरे करने से हो जाएगा। रखा है पीपेट है, कैप कहाँ है? कैप, कैप ये सर पूरा फुल हो गया सर, पीपेट ठीक है। इसके बाद वेट करने के बाद, रुको, वेट करने के बाद इस अल्कोहल पे इधर वापस कर जाओगे, वापस रख देंगे डेफिनेटली। वेट हो जाने के बाद, एम्प्टी बोतल प्लस अल्कोहल का वेट हो जाने के बाद, इसके बाद क्या होगा, इसको वापस करेगा, दूसरा यूज करेगा, बार बार इस डालो मत, खर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इथाइल अल्कोहल ले लिए, इस डेंसिटी बोतल में ना इथाइल अल्कोहल है, इसका वेट अब हम लोग करेंगे। वेट हो जाएगा, वेट करने के बाद वापस आते जाओ। 66.86 इथाइल अल्कोहल को वेट किया, अब पानी प्लस ये बोतल को वेट करेंगे, इसको W2 कंसीडर करेंगे। तो ये पानी हो गया और बोतल हो गया, जो मैं बताया था, जो पिक्चर दिखाया था, बल्ब ए पोर्शन एंड बल्ब बी पोर्शन, हियर यू सी द मार्क एक्स, one mark ki upper portion you mark is there, yes sir, and below the bulb another mark is there, yes sir, so this is the mark x portion, this is the mark y portion. Below the mark y portion, inside that, the capillary tube, you see that the capillary tube is there inside, yes sir. Capillary tube, if you see the minutely, if you see it, inside that capillary tube is there, this is called the capillary tube, yes sir. So depending on the diameter or radius, depending on that radius of the capillary tube, the flow time of the liquid and water, that will be different. So that means Ostwald viscometer, all the capillary tube radius are same, this is not the case, depending on the dyes. So this is the capillary tube, bulb, another bulb and capillary tube, and that portion is that mark X. Mark X or Y. So you have to calculate the flow time in between the mark X to mark Y. I will show you that one.
फ्लो टाइम, फ्लो टाइम ऑफ वाटर एंड लिक्विड यू हैव टू, यस सर, डिटरमाइन दैट, यू हैव टू एस्टीमेट दैट, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन, फ्लो टाइम ऑफ वाटर एंड एक्स टू वाई, फ्लो टाइम ऑफ, ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू डू दैट वन, यू हैव टू, दिस इज द रबर ट्यूब, बाय यूजिंग द रबर ट्यूब टूटेगा नहीं, टूटेगा क्यों, रबर का है बना, इसकी बात शीशे की बात कर रहे हैं, छोटा मोटा सा रबर का नहीं, थोड़ा उसको गर्म कीजिएगा तो फैलने, जावा ही करना, जावा प्रेस करना जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा थोड़ा, ओके, ये इधर रबर ट्यूब, रबर ट्यूब ऐसे करके रहेगा, हाँ सर, पहले पानी, हाँ जी, कितना ले रहे हो, हाँ उसको मतलब मेजर कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं, इसमें पानी दोगे, ठीक है, देखो, ओके, यस सर, कहाँ वाइट चाहिए, यस सर, मैं तो पानी भर रहा हूँ जी, हाफ पोर्शन हो जाएगा तो थोड़ा ठीक, ओके दैट इज एनफ, ओके सर, ओके ओके, हाँ सर पूरा आ गया, आ गया ना, हाँ सर, धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ, देखो एक बार मार्क एक्स तक एडजस्ट करना है, रिलीज करके, हाँ कर रहा हूँ, हाँ सर, अब स्टॉप वॉच सेट करेंगे, मतलब एक्स पर जाने के बाद, हाँ चला गया, अच्छा ऐसे, हाँ, ठीक है, हाँ सर, थोड़ा हल्के ना, थोड़ा ना, थोड़ा हल्के करके एडजस्ट करना है, हाँ सर समझ गए बात, जी जी, ऐसा क्यों हो रहा, एयर ले लेता, नहीं तो ये काम भी कर सकते हो, इस रॉबर्ट ट्यूब हटा के भी ईवीसी पैसा कर सकते हो, हाँ ये भी कर सकते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, अल्कोहल पर मुंह में चला जाएगा तो अदर्स लिक्विड रहेगा तो मुंह में चला जाएगा, इसीलिए ऑरेटिव यूज करना चाहिए, ओके जी जी, तो दिस इज द थिंग, यस सर, दे मार्क एक्स, देन जस्ट स्टॉप, रेडी फॉर दैट, हां द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द मार्क एक्स टू मार्क वाई, जाएगा देखो इधर 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 धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, इधर यह रहेगा, यस सर, देख रहो, और इसको पूरा वर्टिकली रहना चाहिए, कोई एकदम इंक्लाइन नहीं रहना चाहिए, okay, इसीलिए रवा ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड भी यूज करना चाहिए, अरे इससे पहले ही हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग नो व्हेन इट इज कमिंग डाउन, इट इज क्लोज टू दैट मार्क वाई पर्सन ना, बी रेडी फॉर दैट, इमीडिएटली इट कम डाउन, इमीडिएटली कम डाउन, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट वन, तुरंत आ गया, एक्सीलेंट था, इमीडिएटली इमीडिएटली यू विल कम डाउन आल्सो, दैट्स एंड बी केयरफुल, हम लोग अब रबर ट्यूब ले लेते हैं, देयर इज द वाटर फॉर एंड आई विल गिव द अल्कोहल, alcohol one time through the pipette out, one time you will take it and just after measuring give to another, half filled or full filled you can do that, yes. You need to do the full filled, half filled is enough, yes sir, bulk this portion, then you just suck it, then calculate the value and write it and T1, give T2, to another, T3, T4, yes sir, four times you have to, 90 45, व्हाट इज कॉल इक्विवेलेंट राइट, मैंने सब की देखो, मैं जो राइट करता हूं अपॉन, हां तो द मॉलिक्यूलर डिग्री कितना है अगले इस पे, हम लोगों ने सबसे पहले ओस्टवाल्ड मीटर जो था,
उसके बाद मीटर में सबसे पहले वाटर डाल के इसको चेक किया था टाइम, और देन सबसे पहले हम लोगों ने इसमें वाटर लेके इसका मेजरमेंट किया, जो यहाँ से रेट ऑफ फ्लो कैसा है, टाइम कितना लगा, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पानी आने में कितना टाइम लगा, स्टॉप वॉच में चेक किए। उसके बाद वाटर के बाद इथाइल एल्कोहल का चेक किए इसी तरह से, ऐसा वर्टिकल खड़ा करके, उसके बाद मीटर को वर्टिकल खड़ा करके टाइम हम लोग लिख लिए कॉपी में। और उसके बाद जो हम लोगों ने मेजरमेंट ट्रायल वन में कितना समय लगा था, 32 सेकंड लगा था, 36 सेकंड ट्रायल टू में, 33 इतना सेकंड लगा था हम लोग को, 31 सेकंड लगा था ट्रायल थ्री में। इसी तरह इथाइल एल्कोहल का यहाँ निकाले हैं, T1, T2, T3 निकलने के बाद एवरेज निकाले हैं टाइम का, दोनों का तीनों का एवरेज निकाले, यहाँ पे 33 आया किसका, वाटर का, उसके बाद इथाइल एल्कोहल का 71.33 आया। देन विस्कोसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.89, और ये हम लोग को मेजरमेंट करना था, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए यहाँ देखिए विस्कोसिटी ऑफ एल्कोहल का ये फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इंटू टाइम ऑफ फ्लो ऑफ एल्कोहल का एवरेज जो हम लोग का था वो निकालेंगे, ये जो 33 था। और उसके बाद यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय करना है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ जो उसका एवरेज लेना है, टाइम फ्लो ऑफ वाटर का एवरेज यहाँ लिखना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला हुआ एक तरह से विस्कोसिटी ऑफ एल्कोहल निकालने के लिए, और देन जाके आपका कैलकुलेशन करके कुछ हम लोग का इतना आया 1.607, और सेंटीपोज चूँकि इसका यूनिट होता है इसलिए सेंटीपोज हम लोगों ने इसका दे दिए हैं। जाते जाते आप इस महाशय को देखें, उन्होंने पी लिया था इथाइल एल्कोहल।